पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं लखनऊ में यूपी कांग्रेस कमेटी में नई नियुक्ति हुई है। जिले और शहर कमेटी में नई नियुक्तियां हुई हैं। रामजी गिरी देवरिया कांग्रेस जिला अध्यक्ष, शरद सिंह बबलू महाराज जिला अध्यक्ष, राजीव नारायण मिश्र जालौन जिला अध्यक्ष, अमित कुमार पांडे कानपुर नगर ग्रामीण अध्यक्ष, आरती वाजपेयी उन्नाव जिला अध्यक्ष, शिवपाल सिंह बुलंदशहर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और दिलप्रीत सिंह लखनऊ उत्तरी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो यूपी कांग्रेस कमेटी में नई नियुक्तियां की गई हैं। जिले और शहर कमेटी में नई नियुक्तियां की गई हैं यूपी कांग्रेस में। रामजी गिरी देवरिया कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं शरद सिंह बबलू महाराजगंज जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा राजीव नारायण मिश्र जालौन जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, अमित कुमार पांडे कानपुर नगर ग्रामीण जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, आरती वाजपेयी उन्नाव जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, शिवपाल सिंह बुलंदशहर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उमेश, यूपी कांग्रेस कमेटी में नई नियुक्तियां हुई हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि आने वाले चुनाव के लिए कमर कसना चाहती है कांग्रेस और अपने पैर जमाना चाहती है उत्तर प्रदेश में। देखिए ना जी, बिल्कुल, जिस तरह से आने वाले समय में आगामी चुनाव है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है और जिसमें रामजी गिरी देवरिया के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, शरद सिंह बबलू महाराजगंज जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, राजीव नारायण मिश्रा जालौन जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, साथ ही साथ अमित कुमार पांडे कानपुर नगर ग्रामीण अध्यक्ष रहेंगे। वहीं पे आरती वाजपेयी उन्नाव जिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है, शिवपाल सिंह बुलंदशहर जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, दिलप्रीत सिंह लखनऊ उत्तरी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऐसे में ये पूरब से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो ये जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो कहीं कहीं ये माना जा रहा है कि संगठनात्मक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए उस पे जोर देकर कांग्रेस अब ये काम कर रही है और यही वजह है कि ये जो जिलाध्यक्ष नियुक्त जिम्मेदारी दी गई है इनको बाखूबी संगठन के जो निर्देश होंगे उसको अमलीजामा पहनाना है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।